आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कोवेलेंट बांड के बारे में। तो कोवेलेंट बांड क्या है? कोवेलेंट बांड ये है कि जब दोनों एटम्स जो हैं अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और इन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो बांड बनेगा उसको हम कोवेलेंट बांड कहेंगे। ठीक है, दोनों एटम जो हैं वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होंगे और उन शेयरिंग की वजह से जो एटम्स के दरमियान इंटरेक्शन होगी, जो बांड बनेगा, उस बांड को हम कोवेलेंट बांड कहेंगे। अनलाइक आयनिक बांड, वहाँ पर क्या हो रहा था कि आयनिक बांडिंग में एक एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था और दूसरा एटम जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था, तो दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन रही थी, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम आयनिक बांड कह रहे थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर यह हाइड्रोजन है और यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, तो ये जब आपस में कंबाइन होंगे तो इनके कम्बिनेशन की वजह से जो बांड बनेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक हाइड्रोजन की तरफ से और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे हाइड्रोजन की तरफ है, तो दोनों एटम्स जो हैं वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो इस शेयरिंग की वजह से, इस म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बांड बनता है उस बांड को हम आयनिक बांड कहते हैं। ठीक है, तो आयनिक बांड जो है जनरली ऐसे एलिमेंट्स के दरमियान बनता है जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो, मतलब ये कि दोनों सेम एटम भी हो सकते हैं या डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो। दूसरा जो है ये जनरली नॉन मेटल्स के दरमियान बनते हैं। अब जो है इसकी लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन की मिसाल दी है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों एटम्स के, दो न्यूक्लियस के दरमियान होते हैं। एक लेट्स सपोज यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये जो है इस न्यूक्लियस के दरमियान भी है और इस न्यूक्लियस के दरमियान, ये दोनों के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो दो न्यूक्लियस के दरमियान रिवॉल्व हों या दो न्यूक्लियस के दरमियान हों, उनको हम क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड कहते हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो लोकलाइज्ड होती है। तो लोकलाइज में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान मौजूद होते हैं, इक्वल डिस्टेंस हो गया या कम या ज़्यादा हो सकता है इन पोलर पोलर के केसेस में, लेकिन जब हम नॉन पोलर की बात करेंगे तो उन केसेस में क्या होगा कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होगी जिसमें दोनों एटम जो है इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हो, तो ऐसी शेयरिंग की वजह से जो बांड बनेगा उस बांड को हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट बांड कहेंगे। और कोवेलेंट बांड को जाहिर किया जाता है डेट से। लेट्स सपोज यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये एक हाइड्रोजन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनके दरमियान जो बांड बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो आप जो है जस्ट जो है जनरली इनके दरमियान बांडिंग को इस तरह से डैश से भी शो कर सकते हैं। तो ये जो डैश जाहिर कर रही है ये किसको जाहिर कर रही है? लाइन जो जाहिर कर रही है इनके दरमियान बांडिंग को जाहिर कर रही है, और ये बांडिंग जो है वो दोनों एटम ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किया हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हम क्या कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो है म्यूचुअली शेयर होंगे, जब कोई एटम जो है म्यूचुअली शेयरिंग से बांड बनाएंगे, तो उस बांडिंग को हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट बांड कहेंगे। अब आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दीज आर क्लासिफाइड इनटू सिंगल, ठीक है, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बांड। ठीक है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बांड। तो जब कोई भी एलिमेंट, ठीक है, जब कोई भी एटम, दो एटम जो है एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे होंगे, तो शेयर की वजह से जो कोवेलेंट बांड बनेगा वो कौन सा होगा? सिंगल कोवेलेंट बांड होगा। ठीक है, जब दोनों एटम जो हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को, एक एटम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दूसरा एटम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इन दोनों एटम्स के शेयरिंग की वजह से जब वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हों, तो उसकी वजह से जो बांड बनेगा वो कौन सा बनेगा? सिंगल कोवेलेंट बांड बनेगा। लेट्स सपोज मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है हाइड्रोजन की। इसी तरह से अगर आप
मीथेन के केस में देखें तो लेट्स सपोज यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, और कार्बन प्लस 2A2, तो ये आपके पास आता है CH4। अगर आपने CH4 का स्ट्रक्चर देखना है तो वो हमें पता है कि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसके साथ देखें 4 हाइड्रोजन हैं, तो वो 4 हाइड्रोजन किस तरह से बाउंड होते हैं, वो इस तरह से बाउंड होते हैं कि, ठीक है, ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन है, इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होगा, इसी तरह से तीसरा हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होगा, और इस तरह से इसके साथ चौथा हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन होगा, ठीक है। अगर आपने इसका लीविस स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो लीविस स्ट्रक्चर आपके पास इस तरह से आएगा, ये कार्बन को जाहिर कर रहा है और ये इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन को जाहिर कर रहा है, तो ये CH4 का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये लीविस स्ट्रक्चर है। आइंदा लेक्चर में हम लीविस स्ट्रक्चर को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरह से ड्रा किया जाता है। तो ये थी हमारे पास सिंगल कोवलेंट बांड की एग्जांपल, कि इसमें एक तो हाइड्रोजन आपके पास आ गया, दूसरे जो एग्जांपल है उसमें ये है कि CH4 आपके पास मीथेन जो है वो एग्जांपल है सिंगल कोवलेंट बांड की। इसमें ये तमाम के तमाम जो बांड हैं, ठीक है, अगर आप इसको एज अ बांड की, तो ये जितने भी बांड हैं वो क्या हैं, सिंगल बांड है, ठीक है, यहाँ पर ये सारे सिंगल बांड है, तो इनको हम क्या कहेंगे, सिंगल कोवलेंट बांड कहेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं डबल कोवलेंट बांड की तरफ। तो डबल कोवलेंट बांड किस वक्त बनता है, जब दो एटम जो हैं वो अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें, जब दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही हो बिटवीन टू एटम्स, तो उस केस में जो बांड बनेगा उनको हम क्या कहेंगे, डबल कोवलेंट बांड कहेंगे, ठीक है। तो डबल कोवलेंट बांड की जो आपके पास एग्जांपल है वो ये है, लेट्स सपोज, ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन का एक आपके पास जो है वो, अगर आपके पास दो ऑक्सीजन है, ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम है, दूसरा ऑक्सीजन एटम है, तो ये आपके पास O2 बनेगा। अब O2 में आपके पास अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर ठीक है, ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है, और इसी तरह से दूसरे जो ऑक्सीजन है उसमें भी इसी तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये जब आपस में कंबाइन होंगे इन दोनों के, बल्कि आप इनको क्रॉस डिजायर कर लें डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है, तो जब आपस में ये कंबाइन होंगे तो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से होगा कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये O को जाहिर कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो इस ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये एक ऑक्सीजन की तरफ से है, और यहाँ पर जो है ये, सॉरी, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो देखें यहाँ पर दो, इस ऑक्सीजन ने भी दो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है और इस ऑक्सीजन ने भी दो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, तो ऐसा बांड जो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बने तो उसको हम क्या कहते हैं, डबल कोवलेंट बांड कहेंगे, ठीक है। तो अगर आपने इसका लीविस स्ट्रक्चर देखना है तो लीविस स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और इसी तरह से ट्रिपल कोवलेंट बांड की एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो ट्रिपल कोवलेंट बांड जो है वो किस वक्त बनता है, जब दोनों एलिमेंट जो हैं या दोनों एटम जो हैं वो 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हों, तो उनके नतीजे में जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, ट्रिपल कोवलेंट बांड होगा, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है वो हमारे पास है नाइट्रोजन, ठीक है,
तो ये आपके पास N2 बनता है, ठीक है। और नाइट्रोजन जो है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका जनरली मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ इस तरह से, जो आपके पास ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नाइट्रोजन एटम जो है वो डोनेट कर रहा है, सॉरी शेयर कर रहा है, और 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरा नाइट्रोजन एटम जो है वो शेयर कर रहा है। तो इसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और अगर आप इसका लीव स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो वो इस तरह से होगा, ठीक है। और इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। तो ये था ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल। अब जो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम जो है, कोवेलेंट बॉन्ड को डिवाइड किया गया इनटू 2 कैटेगरीज। उनके पास हमारे पास पोलर आते हैं, ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो थे हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड थे, सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होकर जो है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड दे रहे थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम जो हैं, जब वो आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं तो उसकी वजह से इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक तो है आपके पास नॉन पोलर, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपके पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर किस वक्त बनता है? पोल्स कहते हैं जब आपके पास 2 एक्सट्रीम आ जाएं, ठीक है, तो उनको हम पोल कहेंगे, जिस तरह से नॉर्थ एंड साउथ पोल है, ठीक है। तो नॉन पोलर का मतलब ये है कि कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई उनके दरमियान डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उनको हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर कहेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इक्वली, ठीक है, इक्वली का मतलब ये है कि बराबरी की सतह पर दोनों एटम्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो उनको शेयर होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम के पास जितना होते हैं उतनी ही इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दूसरे एटम के पास भी होती है। तो दोनों के दरमियान जो है चूंकि कोई इंटरेक्शन नहीं होती, दोनों एक ही तरह के होते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर कहेंगे। तो नॉन पोलर में जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। जब ऐसे एलिमेंट जो सेम हो या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम हो, तो जिस वक्त उनके दरमियान बॉन्ड बनेगा तो उस वक्त वो कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट होगा, और उस कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर कहेंगे। तो लेट्स गो, ये हाइड्रोजन की एग्जांपल है, ठीक है, और इसी तरह Cl2 है। जितने भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, Cl2, O2, ठीक है, F2, N2, ये चूंकि दोनों एलिमेंट जो हैं वो सेम हैं, तो दोनों में कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग एटम नहीं है जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सके, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड कहेंगे। इसी तरह से CH4 में, ठीक है, CH4 जो है वो नॉन पोलर है, चूँकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान इतना डिफरेंस नहीं है, तो ऑलमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किस वक्त बनता है, जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा हो, ठीक है, एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो और दूसरा जो है वो थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है या इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ रहती है, तो इसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियली नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा उसकी तरफ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को आप चूंकि देख नहीं सकते, तो इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड होता है बिटवीन टू एटम्स वो एक एलिमेंट की तरफ ज़्यादा होता है, और दूसरा एलिमेंट चूँकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता, जिसके नतीजे में क्या होता है कि दूसरा एलिमेंट उससे अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच लेता है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उसके पास इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, ऑब्वियसली दूसरा एलिमेंट उनको, दूसरा एटम जो है उनको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, दूसरे एलिमेंट के ऊपर या दूसरे एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इनके दरमियान पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोर्स बन जाएंगे, तो इन पोर्स की वजह से इनको पोलर कंपाउंड कहा जाता है या पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल जो हैं वो आपके पास, लेट्स सपोज वाटर की बात करें, ठीक है। तो वाटर में देखें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है, अब हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सॉरी हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नतीजतन क्या होगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा इसकी तरफ होंगे, ठीक है। और चूँकि हाइड्रोजन जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा, ये शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस पढ़ी यही थी कि अबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू अट्रैक्ट, सॉरी अबिलिटी ऑफ अ एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स टू इट्स न्यूक्लियस इन अ कोवलेंट बॉन्ड, तो उसको हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा था। तो जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसमें अट्रैक्शन की पावर ही कम है, तो यहाँ पर जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ होंगे, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसके पास से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, कम होने का मतलब ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाइड्रोजन से दूर हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब ऑक्सीजन के नज़दीक इलेक्ट्रॉन होंगे तो पार्शियल नेगेटिव, और इससे दूर होंगे तो ये पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव इनके दरमियान पोल बन रहे हैं, तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह से अगर आप HCl की एग्जांपल दें, तो HCl भी देखें क्लोरीन सेवन ग्रुप एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में शुमार किया जाता है, और हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो नतीजतन क्या होगा, क्लोरीन यहाँ के इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो इन्होंने शेयर किए हुए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन इन दोनों ने शेयर किए हुए हैं, तो ये क्या होगा, क्लोरीन जो है वो इनको ज़्यादा अपनी तरफ रखेगा, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है तो उनको अपनी तरफ खींच कर रखेगा, तो इस वजह से इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस हाइड्रोजन से दूर हैं, तो इस दूरी की वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस वजह से जो पोल्स बन जाते हैं, पोल्स बनने की वजह से इसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह से H2SO4 है, उसमें भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और इसी तरह से HF जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो भी पोलर जो है हमारे पास बॉन्ड है, ठीक है। तो ये थे एग्जांपल्स नॉन पोलर और पोलर। तो नॉन पोलर किस वक्त बनेगा, जब दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इक्वली लोकलाइज्ड होंगे बिटवीन टू न्यूक्लियाई। जब दो न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वली लोकलाइज होंगे तो उनको हम नॉन पोलर कहेंगे, और जब वही इलेक्ट्रॉन जो हैं जब दोनों एलिमेंट्स के दरमियान, दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा आ जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे।